जो कश्मीर में हमारी मजलूम माओं बहनों बच्चों बुज़ुर्गों नौजवानों पर जो जुल्म और ज़्यादतियाँ कर रही हैं उसकी शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हैं, और हम ये भी मुतालबा करते हैं कि मसले कश्मीर को अक़वामे मुत्तहिदे की करारदादों के मुताबिक हल होना चाहिए। जहाँ इंसानी हकूक़ की बात की जाती है, हमें ये समझ नहीं आता कि इंसानी हकूक़ की तंजीमें कहाँ हैं। कश्मीर के हवाले से कोई आवाज़ नहीं उठाता। पाकिस्तानियों के दिल अपने कश्मीरी भाइयों के साथ धड़कते हैं, और जब तक के कश्मीरी हमारे माएँ बहनें बच्चे बुज़ुर्ग नौजवान आज़ाद फिजाओं में सांस नहीं लेते, इंशाल्लाह पाकिस्तान का ताजिर हो या आम शहरी हो, वो सुकून से नहीं बैठेंगे। अक़वामे मुत्तहिदा के आइन के तहत मौज़िब शहरी का मौज़िब ये हम तरीका इख्तियार करते हुए हम एहतजाज कर रहे हैं, और ये एहतजाज इकरार करा रहे हैं। यूनाइटेड नेशन के प्लेटफॉर्म पे हमारे कश्मीर का केस मौजूद है, जब तक वो आज़ाद नहीं होता जब तक ये मामला चलते रहेंगे। हम अब तक तो मौज़िब शहरी होने का सबूत पेश कर रहे हैं, लेकिन फिर आखिर में जहाद है, और इंशाल्लाह अगर यूनाइटेड नेशन ने हमारी बात ना सुनी तो जहाद का ऑप्शन हमारे पास मौजूद है। हम अपने कश्मीरी भाइयों के साथ हर उस पैनल पे हर उस जगह पर खड़े रहेंगे, उनकी आज़ादी के लिए आवाज़ बुलंद करते रहेंगे, ता कयामत के जब तक कश्मीर को आज़ादी नहीं मिलेगी हम कश्मीरी भाइयों के साथ थे हैं और रहेंगे। इंशाल्लाह वल अज़ीज़ आज के इस एहतजाजी मुजाहरे में दोस्तों को, पाकिस्तानी आवाम को, पूरे मुल्क को, पूरी दुनिया को ये खुशखबरी देता हूँ कि इंशाल्लाह वल अज़ीज़ कश्मीर बहुत जल्द आज़ाद होने वाला है। क्योंकि जुल्म की सयारात अब ख़त्म होने वाली है और चांद और सूरज तुलू होने वाला है आज़ादी का, तो यहाँ दोस्तों हिम्मत रखिएगा, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको और कश्मीरी भाइयों को वो ताकत अता फरमाएगा कि वो जालिम वो जाबिर हुकूमत हिंदुस्तान की वो देखती रह जाएगी कि अल्लाह के रसूल के हामी किस तरह से अपनी आज़ादी का जश्न मनाएंगे।